गुड इवनिंग फ्रॉम सियालदह स्टेशन। तो अभी हम लोग है सियालदह स्टेशन में और हम लोग जा रहे हैं बिहार, कुछ फैमिली फंक्शन है, आप लोग देख सकते हैं, बैठेंगे, बाकी अपडेट देते रहेंगे, स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेन छोड़ने का वक्त ऑलमोस्ट हो रहा है और अभी हम लोग ट्रेन में घुस गए। इसी का लोक वे बस कुछ ही टाइम में ट्रेन छूटने वाला है। और अपना भाई लोग यहाँ पे रेडी है। चिल बाबा चिल, वेलकम बैक चिल बाबा चिल। ऑलराइट, तो अभी हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, बस कुछ ही देर में छोड़ने वाला है। मेरे साथ यहाँ पे है फयाज एंड एचडी बॉय मुख्तार। बाकी फिलहाल तो हमारा सेट में हम लोग बैठे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी सीन्स कुछ ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ पे एक सिंगल ही सीट है, हाफ ऑफ। ये मेरा हाफ पोजीशन और ये हाफ पोजीशन मेरा दूसरा पार्टनर का, और मेरा जो तीसरा पार्टनर है उसका दूसरा कोच में उसका सीट है। ये जो ऊपर वाला सीट है ये बंदा भी आया था, तो हमने इनको रिक्वेस्ट करके इनका सीट हम लोग चेंज करा लिए। ये बहुत रिक्वेस्ट किए कि भैया जी दे दो कि हम तीनों एक साथ रहेंगे, ये बोल के हम लोग रिक्वेस्ट करके सीट चेंज करा लिया। उनको दूसरा बॉगी में छोड़ के छोड़ने के लिए गए हैं। फिर अभी फिलहाल ये ऊपर वाला और नीचे हम तीनों का है, अभी हम लोग तीनों एक ही साथ रहेंगे एक ही जगह। बाकी बाय द वे दैट पर्सन इज़ वेरी नाइस, वो बहुत ही अच्छे से बात किया, हम लोग रिक्वेस्ट के एक ही बार में वो हम लोग को दे दिया सीट। तो अभी हम लोग झाल मुड़ी खाने वाले हैं, ऑर्डर किए हैं झाल मुड़ी, ये भैया बना रहा है। मैं खाऊंगा, तू नहीं भैया, सूखा हुआ है नहीं चाहिए। थैंक यू, झालमुड़ी को एंजॉय करते हैं। अरे फालतू में झालमुड़ी बनाया, इट्स लुक लाइक अमेजिंग यार। चीयर्स। कैसा लगा भाई? मिर्ची लगा, मिर्ची। और भैया बस कर यार, रुलाएगा क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, अब ट्रेन छोड़ दिया है और एज यू कैन सी ट्रेन चल रहा है। तो अभी हमारा खाना खा के हो चुका है और हम लोग सो चुके हैं, और मैंने अपना बैग को पिलो बना लिया, सो जाएंगे क्योंकि बहुत थका हूँ। और इधर है फयाज और इधर है अपना हीरो। ओके, मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ट्रेन, पता नहीं कौन सी जगह पे हूँ। तो अभी जस्ट नींद से जगा हूँ, मैं सोचा कि वहीं से मेरा सीट से मैं ब्लॉग करूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा, इसलिए मैं बाहर आ गया और वहीं से ब्लॉग कर रहा हूँ। बाहर का नज़ारा आप अगर देखना चाहो तो बाहर का नज़ारा ये जो है, फिलहाल तो कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे। अपडेट ये है कि हम लोग सुबह नींद से जग चुके हैं, फ्रेश हो गए, नाश्ता के लिए वेट कर रहे हैं। नाश्ता कोई देके जाएगा नहीं, हम लोग को खुद ही लेना है चाय कॉफ़ी जो भी मिलेगा। यहाँ पे बैठा है फयाज, यहाँ पे अपना कड़क लौंडा एंड यहाँ पे अपना दूसरा फैमिली मेंबर। तो बिहार जाने का मेन जो कारण है वो है इन भाई साहब का शादी, ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसी के शादी में जा रहे हैं हम लोग बिहार। उसके बाद अभी बस जहाँ पे भी ट्रेन रुकेगा हम लोग वहीं से खाना खाएंगे, सुबह खाना में सुबह का नाश्ता करेंगे। और बाहर का नज़ारा कुछ ये है, तो भाई लोग आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी ट्रेन में या चाय मत पिया करो, ये चाय नहीं है, चाय के नाम पे दोगला बनती है, दोगला बनती यार। ये बहुत बड़ा स्कैम होता है ट्रेन में, चाय बोल के ना ये गर्म पानी दे देता है आपको, इसमें थोड़ा दूध का टेस्ट आएगा और थोड़ा चाय पत्ती का फ्लेवर आएगा बस, और कुछ नहीं, ना इसमें चाय है और ना इसमें दूध है, बस वाइट कलर और गर्म पानी है बस यार। ये तो
एक चुस्की मारने के बाद यार मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि पीऊ मैं, पर कोई नहीं, पी लेते हैं। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, बहुत वक्त से हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रेन कब छूटेगा, और इस बीच हम लोग नाश्ता किए, चाय भी पिए। तो अभी उड़ती उड़ती खबर यह आया कि 8:10 में ट्रेन यहाँ से छूटने वाला है, बस बैठे ही हैं। शाम तक शायद शाम तक हम लोग बेयर में उतरेंगे, और वहाँ पे आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू मिस्टर समीर। हाय। और ये लोग का थोड़ा ब्रेक चुके हो। तो भाई लोग अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग की 9:30, बात करते करते ट्रेन कब का छूट गया पता ही नहीं चला। बैठ बैठ के बोरिंग हो रहा था, तो मैंने सोचा और एक छोटा सा पावर नैप ले लूँ, इसलिए फिर से ऊपर आ गए अपनी सीट पे। बस बिहार पहुँचते और तकरीबन 2-2.5 घंटा या 3 घंटा लगेगा, पहुँच जाएंगे बिहार। ऑलराइट, तो फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं। Here we go in Mansi station. तो हम लोग स्टेशन के ऑपोजिट में हैं, I mean स्टेशन मेरे पीछे की तरफ है। So finally we reach Mansi, और यहाँ पे हमें लेने आया है हमारा रुस्तम। फिलहाल तो भाई लेके अभी करना क्या है, जाना भाई अभी बैठना पड़ेगा इधर ही। क्यों? अभी ट्रेन 12 बजे। अच्छा, दूसरा ट्रेन भी है। तो वीडियो लोग फिलहाल तो बिहार पहुँच चुके हैं, फिर यहाँ से एक लोकल ट्रेन भी लेना है हम लोग को। तकरीबन यहाँ से फिर और 1 घंटे की जर्नी है हमारा। जो लोकल ट्रेन यहाँ से हम लोग का जाने वाला है वो अराउंड 2 या 2:30 बजे तकरीबन, तब तक यहीं पे वेट करना है हम लोग को। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिनके लिए हम लोग बिहार आए हैं, हमारा दुल्हा, ये हमारा दुल्हा भाई, देख लो सब। इतनी खुशी मुझे, चाय आ चुका है, हम लोग चाय पी रहे हैं भाई लोग। गजब बेइज्जती है भैया। तो हम लोग अभी दूसरा स्टेशन में आ गए हैं, यहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ना है हम लोग को। यहाँ से भी अराउंड 30-45 मिनट्स अराउंड लगेंगे यहाँ से। बहुत गर्मी धूप है यहाँ पे, एंड दिस इज द लोकल स्टेशन। सब लोग पीछे हैं, तो अभी भी यहीं पे हम लोग स्टेशन में वेट कर रहे हैं हमारा लोकल ट्रेन का। यहाँ से जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, यहाँ से अराउंड 45 मिनट्स और लगेंगे हमारा डेस्टिनेशन तक पहुँचने में। यहाँ का एक एक्सपीरियंस मेरे को बहुत बढ़िया लगा, जो भी ट्रेन यहाँ पे है आता है, कोई ट्रेन लेट नहीं होता है, एकदम वक्त पे यहाँ पे एंट्री मारता है। और दूसरी बात, दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि अभी हमारा ट्रेन बहुत लेट है, मतलब जो लोकल ट्रेन हमारा है यहाँ से वो बहुत लेट है। अब धूप में हम लोग यहाँ पे जल रहे हैं गर्मी में। तो फाइनली हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं स्टेशन के बाहर, ये रहा स्टेशन, और हम जा रहे हैं गाड़ी पकड़ के। ये अपना बॉय, ये बॉय यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हम बच्चे लोग तो यार रो रहे थे, क्या बोलो, इतनी गर्मी में और ऊपर से ट्रेन भी बहुत लेट। और इसमें हम लोग चलेंगे अभी घर। वाइल लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, ये रहा घोड़ा, एक घोड़ा वाला गाड़ी है। और सब ठीक बा, तो बैग वैग सेट करके अपन बैठते हैं और चलते हैं अपने घर। यार बहुत थका हूँ, जाके तो पहले नहाऊंगा अच्छे से, पेट भर के खाना खाऊंगा, उसके बाद मिलूंगा। अच्छा
ये फायाज बोशरोजे फायाज बोशरोजे की करो हमें चलो चलो मार धक्का ओके आप बीच बैठ गए तो भाई लोग अभी सीन ऐसा हो गया हम लोग आ रहे थे इसमें और ऊपर से हमारा लगेज गिर गया और गिरा तो गिरा किसमें गिरा सीधा इसमें सीधा इसमें गिरा हमारा लगेज ये लगेज यहाँ पे चलो 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 अरे मैया अब कहाँ बैठे हेलो बोलो हेले हेलो बोलो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर बेचारा काम करते हुए अच्छा? तू काम कर बे किसको देख रहा है काम कर चलिए ब्लॉग होता है यहाँ पे समाप्त मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में